जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी दलों में सियासत तो गरमा रही है, साथ ही सांसदों के टिकट कटने को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और निष्क्रियता के कारण सांसदों का टिकट काटा गया। इस पर बीजेपी के सांसद कमला पाटले ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के पिता 6 बार के सांसद थे, उनके समय में भ्रष्टाचार होता रहा होगा, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी ऐसा गलत आरोप लगा रहे हैं। साथ ही वो ये कहने से भी नहीं चूकी कि कांग्रेस शीर्ष संगठन के कई नेता बेल पर हैं, ऐसे में कांग्रेस का बीजेपी सांसदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। पहले बात तो है कि हम लोगों का सांसदों का टिकट एक जने का नहीं काटा गया है। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा 10 सांसदों को अभी ड्राफ्ट किया गया है। कारण कोई भी हो, चाहे छत्तीसगढ़ का रिजल्ट को, विधानसभा रिजल्ट को देखकर हो या कोई भी कारण हो,